नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब ये क्वेश्चन है तो रेशियो चैप्टर का है ना, रेशियो का सिर्फ इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना है, उसके अलावा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर. ये इक्वेशन एक बार बन जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा. तो सारा का सारा लगेगा इसमें काम लीनियर इक्वेशन का ही, और एक बार जब सीख जाओगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो मेंटली सॉल्व होगा, इसको पेपर पेन पे करने की जरूरत नहीं होती इतने सिंपल क्वेश्चन को. मुश्किल लगता है ध्यान दो, समझ में आएगा. क्या दिया है हमें, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. रेशियो वाले चैप्टर में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि जब इस तरह की बात होगी कुछ तो हम लोग क्या करेंगे कि अनु की एज और राज की एज को मान लेंगे 4x और 5x, ताकि जब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालें 4x/5x करके तो x x कैंसिल हो जाएगा और हमारा रेशियो 4:5 का आ जाएगा. इसलिए हम ये लोग की एज मान लेते हैं 4x और 5x. ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, ध्यान देना ये प्रेजेंट एज है, इसी में गलती होती है. अब 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years लेटर, 8 years लेटर, 8 साल बाद इन लोग की एज क्या होगी, जो 4x है ये हो जाएगा 4x plus 8, 8 साल में 8 ही साल बढ़ेगा, कोई 10 तो नहीं बढ़ेगा, और 5x है तो ये 5x plus 8 हो जाएगा, यही होगा ना. अब हमें दिया है कि 8 साल बाद इसका रेशियो 5:6 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ इसका, 4x plus 8/5x plus 8 5/6 बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन. अब देखने में लीनियर नहीं लग रहा है, लग रहा है लीनियर, देखो अब दिमाग लगाने की बात इसमें यह है कि इस 5x plus 8 को जब हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तब तो लेफ्ट में भी सिर्फ x है और राइट में भी सिर्फ x है, वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है दोनों बगल, और वो भी सिर्फ x है, उसका कोई पावर नहीं है, स्क्वायर कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ x है, तो है तो ये लीनियर इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर देना है, पिछले एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन देखा था उसी तरह का इक्वेशन बनाया है. अभी क्या कर सकते हैं, 6 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 5x प्लस 8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यह भी ऊपर चला जाएगा. क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, 6 × 4x plus 8 = 5 × 5x plus 8. अब तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग आराम से, 24x plus 8 = 48 = 25x plus 8 = 40. यह हमारा अब लीनियर इक्वेशन देखने में लग रहा है ना, यह नहीं लग रहा था लीनियर इक्वेशन, यह लीनियर इक्वेशन लग रहा है, और है तो दोनों एक ही चीज, दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों इक्वेशन में, ठीक है. अब x को हम लोग सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे तो 24x तो लेफ्ट साइड में है ही, 25x इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 25x = 40, तो राइट साइड में है ही, 48 उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 24x - 25x - x = 40 - 48 - 8, मतलब x = 8. x 8 कहाँ से आया अभी जानना है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और इतना बेसिक चैप्टर है कि इसको समझना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है. यहाँ से 8 कैसे आया, दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ ना मैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों माइनस ख़त्म हो गए, -(-) = +, ये कभी नहीं भूलना है. और क्या है, -(+) = -, ये दोनों जो है ये हमेशा लगेगा, इसको कभी नहीं भूलना है. तो हमारा x की वैल्यू 8 आ गई, पूछा x ने क्या था,
पूछा गया था उनका प्रेजेंट एज जो है 4x और 5x कितने हो जाएंगे, 8 फोर जाए 32 और 5x हो जाएगा 8 फाइव जाए 40। और 8 साल बाद अगर रेशियो चेक करना है 5:6 हो रहा है या नहीं, ये 40 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 40/48 इज इक्वल टू 8 से दोनों कट जाएंगे, 8 से दोनों कट जाएंगे, 8 5 जब 40, 8 6 जब 48, 5:6 का रेशियो हमारा आ रहा है। ओके, मुश्किल था? अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है तो बेहिचक मुझसे कमेंट में पूछोगे, इसको समझना है बहुत अच्छे से, तब पूरे चैप्टर पे पूरे क्वांट पे कमांड होगा, ये चैप्टर पे कमांड आने से पूरे मैथ पे कमांड बढ़ता है। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, फाइंड द रैशनल नंबर। अब यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो सीधा सीधा नंबर्स की बात है, और इसमें भी जो क्वेश्चन में लिखा है उससे हमें एक लीनियर इक्वेशन बना लेना है, जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा हमारा तो उसको सॉल्व करके आंसर भी आ जाएगा। सारा का सारा दिमाग जो लगना है उसको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने में लगना है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना तो मैं मान लेता हूँ अब आ गया है, जिनको नहीं आया है वो प्रैक्टिस करके सीख लेंगे आगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लिखा है इसको सबसे ज़रूरी है पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा, बार बार सिखाऊंगा, बार बार बताऊंगा, अब इतनी बेसिक सी बात ही है तो समय लगता है थोड़ा सा, सीख जाओगे। हमें क्या दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, मतलब अगर न्यूमरेटर हम लोग का n मान लेते हैं न्यूमरेटर को, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n+8, है ना, न्यूमरेटर n है, न्यूमरेटर को n मान लिया तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, जो न्यूमरेटर n है उससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है उससे, तो हमारा नंबर क्या हो गया n/n+8, यह नंबर हुआ हमारा रैशनल नंबर। दो नंबर को डिवाइड करने से एक रैशनल नंबर आता है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, या a/b के फॉर्म में है, याद है ये सब, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। इसमें नीचे जीरो नहीं आ सकता है और कहीं भी कुछ भी आ सकता है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा नीचे की तरफ जो होगा ये क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर p/0 का मतलब क्या हो जाएगा, p/0 इसका कोई मतलब नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, ये बी जीरो नहीं होगा हमारा, क्यू या बी जीरो नहीं, जीरो नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है ना, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बना n/n+8, ठीक है, यह हमारा पहला नंबर है। उसके बाद क्या दिया है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब जो न्यूमरेटर है n इसमें 17 बढ़ा देना है, 17 ऐड करना है, अब पूरा यहाँ पे प्लस 17 नहीं करना है क्योंकि साफ साफ लिखा है सिर्फ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो ये जो ऐड करना है ये प्लस 17 इस तरह से नहीं करना है, इसको न्यूमरेटर में 17 ऐड करना है, प्लस 17 इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर में आ गया ही। और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब नीचे जो n+8 था इसमें 1 माइनस कर देना है, n+8 में 1 को माइनस कर देना है, यही क्वेश्चन में दिया है। तो अब जो नंबर आता है वह होता है 3/2, यह भी दिया है क्वेश्चन में 3/2 आता है, तो कहाँ पे प्लस 17 किया, कहाँ पे माइनस 1 किया, किस तरह से इक्वेशन बना बना, समझ में आया ना, अब फिर ये लीनियर इक्वेशन बन गया, पिछले क्वेश्चन में जैसा इक्वेशन बना था बिल्कुल उसी तरह का इक्वेशन है। क्या करेंगे इसको हम लोग, n+17, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, जो प्लस 8 और माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा n+7 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, n+7 को राइट साइड में ले आएंगे, यह भी ऊपर आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा,
इंटू एन प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 7। किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना कि मैंने पूरे n प्लस 17 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सिर्फ n को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही ऊपर है, ये पूरा का पूरा ऊपर है, तो पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, आधा को क्यों करूँगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया है, यहाँ से अगर देखें तो 2 इंटू एन, 2n प्लस 17 इंटू 2 34 इज इक्वल टू 3n प्लस 21। अब तो यह सॉल्व हो जाएगा, इस 3n को लेफ्ट में लाना है, 34 को राइट में लाना है, 2n इज इक्वल टू 21, यह तो पहले से था, 3n को इधर से इधर लाना है, तो प्लस का यह माइनस हो जाएगा और 34 इधर से इधर जाएगा, तो यह प्लस का यह भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस n इज इक्वल टू 21 माइनस 34, कितना होगा यह, माइनस 13, तो n इज इक्वल टू 13 हमारा आ जाएगा, आएगा। जब n इक्वल टू 13 आ गया तो हमारा नंबर था n डिवाइड बाई n प्लस 8, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, स्टार्टिंग नंबर, ये कितना होगा 13 बाई 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 बाई 21, यह नंबर है हमारा। समझ में आ रहा कैसे बना क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया है, क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन हर जगह घुसा हुआ इसी तरह से रहता है, जहां देखो मिल जाता है। क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। और दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का, इतने आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली या किसी के अंदर आ सकता है क्वेश्चन का, एक सब पार्ट एक्स्ट्रा का होता है जनरली। तो उसमें सबसे पहले तो है टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होते हैं टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या होता है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। दो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं, दो एंगल को ए प्लस बी, जिन दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री बन जाए, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर देखा जाए तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसमें किसी एक पॉइंट को ले लो, यहाँ पे एक एंगल बना दिया, तो एक एंगल इधर आएगा ए, एक इधर आएगा बी, और ए बी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब ए चाहे इस तरह का हो, या फिर यह लाइन इस तरह से बने, या फिर यह लाइन सीधी इस तरह से बन जाए, कुछ भी बन जाए, ए बी तो हमेशा 180 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के ऊपर, है ना। यहाँ पे 90 भी हो जाएगा तब भी वही बात होगी, दोनों तरफ 90 होंगे, ए प्लस बी हमेशा 180 डिग्री होगा। यदि ऐसा है तो इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, ट्रायंगल में भी ये मिल जाता है, ये एक्सटीरियर एंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है तो ज्योमेट्री में मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ए प्लस बी 180 डिग्री होंगे तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तब हमें और क्या दिया है, लार्जर एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब अगर हमारा एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल उससे 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, ए प्लस 18 डिग्री दूसरा एंगल होगा, यही होंगे दो एंगल। अब इन दोनों एंगल को किसी को ए मानो किसी को बी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा। मतलब अब ये तो बहुत ही सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बना है, a प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2a प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 18 को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे, राइट साइड में लाएंगे तो 18 क्या होगा, माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 162 डिग्री, ठीक है।
अब इस 2 को राइट साइड में ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा नीचे, 162 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 81 डिग्रीज, तो हमारा एक एंगल 81 डिग्री आएगा। अब अगर यहाँ तक पहुँच गए तो हमारा एक और दो ऑप्शन में 81 है, इन दोनों में 81 नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब दूसरा क्या था हमारा, a प्लस 18 डिग्री था दूसरा एंगल, a प्लस 18 डिग्री निकाल देंगे, अब तो कुछ है ही नहीं है, 81 प्लस 18 99 डिग्रीज, ऑप्शन बी।